ये हमारा आईडी कार्ड का रॉ मटेरियल है जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हमारे पेस्टिंग वाले हैं और ये हमारे पीवीसी वाले हैं। पीवीसी यानी कि इंसर्ट करने वाले, जो आज की डेट में रेगुलर चल रहे हैं। जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबके अंदर आईडी कार्ड दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये अपने आप हो गया है टाइमर और ये आपकी आउटपुट आ गया, आपकी लैनियर्ड प्रिंट हो गई है। ऊपर और नीचे दोनों साइड आपकी लैनियर्ड सेम प्रिंट हो गई है। अब ये हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये स्कूल के फ्लैग्स हैं जो हम आपको प्रिंट करके दे रहे हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैनियर्ड्स हैं, फ्लैट और ट्यूब है, साटन है, डिजिटल है, स्क्रीन प्रिंट करना है, डिजिटल करना है, हम वो सब आपको दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए बैचेस हैं। बैचेस हमारे पास पेस्टिंग में भी हैं और जो हमारे पंच वाले बैचेस हैं वो भी हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल और आज आपको मैं लेकर आ गया हूं प्रिंट पैक एक्सपो में, जो इंडिया का बिगेस्ट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एक्सपो है और जो शुरू हो चुका है इंडिया एक्सपो मार्ट में और ये 26 मई से लेकर 13 मई तक चलने वाला है। और मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे स्टॉल पर जहाँ पर आपको आईडी कार्ड बनाने के सारे मशीन्स, रॉ मटेरियल्स और सारी मशीनरीज आपको मिल जाएंगे। और मैम से बात करवाने वाला हूँ, अगर आप ये स्टार्टअप करना चाहते हैं या आपको इस तरह की मशीनरीज की ज़रूरत है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। एक अपना इंट्रो देंगे? माई सेल्फ इज़ मनप्रीत कौर, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। हम हरप्रीत ग्राफिक्स में काम में हैं। मेरे हस्बैंड है हरप्रीत सिंह, जिन्होंने ये स्टार्ट किया है बिज़नेस। ये 1997 से इस बिज़नेस में हैं। हम आईडी कार्ड बनाने के लिए जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, हम वो सब इन हाउस मैनुफैक्चर करते हैं, हम वो आपको सेल करते हैं। अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हम आपको उसके लिए रॉ मटेरियल, मशीनरी, जो भी आपको चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, हम वो आपको दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको, हमारे पास लैमिनेशन मशीन हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हमारी लैमिनेशन मशीन 9 इंच से लेकर 62 इंच तक मशीन, यानी कि 6 फुट की मशीन, साइनेज में जो मशीन लगती है, जो मशीन आईडी कार्ड पे मशीन पे, जिसे हम आईडी कार्ड बना सकते हैं और जहां तक हम उसके अंदर साइनेज का काम कर सकते हैं, 5 फुट की मशीन, हम वो सारी मशीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, इन हाउस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हम आपको वो भी फुलफ़िल करेंगे। बाकी जो रही बात हमारी आईडी कार्ड की, तो हम आईडी कार्ड बनाने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे आईडी कार्ड के होल्डर्स हैं, जो हम आईडी कार्ड उसके अंदर कार्ड जो बनाते हैं, चाहे हम लैमिनेशन करें, चाहे हम पीवीसी के कार्ड बनाएं, वो सब काम करने के लिए जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, हम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस उसके बाद जो आती है हमारी लैनियर्ड्स आती हैं, लैनियर्ड को कैसे बकल करना है, उसके जो नॉची मशीन्स हैं, नॉचीज़ हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आती है लैनियर्ड की, लैनियर्ड में बनाने के लिए बहुत तरीके, 3-4 तरीके की लैनियर्ड्स आती हैं, तो हम वो सारी मशीन लैनियर्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और हम लैनियर्ड को प्रिंट करने के लिए, जो आज की डेट में डिजिटल लैनियर्ड है, जो प्रिंट पैक एग्जीबिशन है यहाँ पर, इस एग्जीबिशन में हम लोग एक लैनियर्ड स्पॉन्सर हैं। हमने यहाँ पर जितनी भी लैनियर्ड्स हमारे एग्जीबिटर्स हैं, हमारे विजिटर्स हैं, VIP गेस्ट हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमने इन सबको लैनियर्ड्स प्रिंट करके दिए, हम लैनियर्ड स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये हमारी जो लैनियर्ड है डिजिटल है, डिजिटल यानी मल्टी कलर है, ये कितने भी कलर्स में आप प्रिंट कर सकते हैं ये लैनियर्ड। तो ये जो लैनियर्ड प्रिंट करने की मशीन है, हम वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही अगर आप लैनियर्ड ये सेटअप नहीं भी लगाना चाहते और आपके पास कोई भी अगर आप ऑर्डर हो, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका कंप्लीट ऑर्डर भी बना के देंगे। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, कोई भी आपको लैनियर्ड चाहिए या आप कोई भी जॉब वर्क करवाना चाहते हैं, हम वो भी करके देते हैं। सो हम आपके यहाँ पर दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको मशीनरी भी दे रहे हैं और हम आपका जॉब वर्क भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सब्लिमेशन की जो मशीन्स होती हैं हमारे पास वो भी हैं। जब हमारे पास 5-in-1 भी है, 15x15 इंच की जो सब्लिमेशन मशीन है, हीट प्रेस, वो भी है, 16x24 भी है। इसके अलावा हमारे पास पेपर कटर्स भी हैं, जो हमारे डे टू डे वर्क में हमारे चाहिए होते हैं। ये सब आइटम्स में हम लोग, मैम ने एक ही सांस में हर कुछ बता दिया। आइए मैम, तो यहाँ पर ये है कि बेसिकली आप दोनों तरह से आप डील करते हो कि मशीन्स लेना है, रॉ मटेरियल्स लेना है वो भी, और अगर कोई बल्क में छपवाना चाह रहा है वो भी। यहाँ पर काफ़ी सारे मशीन्स है, इसके बारे में बता सकते हैं मैम? ये पेपर कटर्स हैं,
ये पेपर कटर है, ये नॉर्मल हमारा A4 या A3 पेपर साइज का पेपर कटर है, ये रिम कटर है। अगर हमारे को 500 शीटों को एक साथ काटना है तो ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारा वायरो बाइंडिंग है, जब हमने प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए बाइंडिंग करने के लिए ये वायरो बाइंडिंग का रॉ मटेरियल भी है हमारे पास, ठीक है। और ये इसके थ्रू करके हम पंच करके वायरो बाइंडिंग भी करते हैं। ये बटन पैच मशीन है, इसके अंदर हम बटन पैचेस बनाते हैं, हमारे ये 44 mm और ये 58 mm के पैचेस हैं। तो इसके अलावा हम इसमें मैग्नेट के पैचेस भी बना सकते हैं, या हम कुछ भी हमारे राउंड शेप में कोई भी डिज़ाइन का हो, इट्स इज़ वेरी इजी टू मेक। कोई भी अगर लेडी है, जेंट्स है, कोई भी बना सकता है, बच्चे भी तक बना सकते हैं। मशीन है ये, अलग अलग कटर्स हम मैनुफैक्चर करते हैं। अगर आपको कोई भी साइज़ का कोई भी कटर चाहिए, हम वो भी आपका ऑन ऑर्डर बना कर देते हैं। आपके कटर्स मेरे सारे हैं, ये हमारा आईडी कार्ड का रॉ मटेरियल है, जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स मैनुफैक्चर करते हैं। ये हमारे पेस्टिंग वाले हैं और ये हमारे पीवीसी वाले हैं। पीवीसी यानी कि इंसर्ट करने वाले, जो आज की डेट में रेगुलर चल रहे हैं। जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके अंदर आईडी कार्ड, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंट्री करने के लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्कूल्स के अंदर सेशेस वगैरह कोई भी इवेंट्स होता है, वहाँ पे कोई भी हेड बॉय, हेड गर्ल या कोई कैप्टन है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, तो वहाँ पे जो आपका है सेशेस हैं, ये स्कूल के फ्लैग्स हैं जो हम आपको प्रिंट करके दे रहे हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैनियार्ड्स हैं, फ्लैट और ट्यूब है, साटन है, डिजिटल है, स्क्रीन प्रिंट करना है, डिजिटल करना है, हम वो सब आपको दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए बैचेस हैं, बैचेस हमारे पास पेस्टिंग में भी हैं और जो हमारे पंच वाले बैचेस हैं वो भी हैं। बैचेस, की चेन्स वगैरह सब हैं, जो स्कूल्स में हमारे रेगुलर चलते हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें। इसके अलावा ये हमारी लैमिनेशन मशीन है जो फ्रंट में है आपकी, दैट इज़ अ 62 inches मोटराइज मैनुअल मशीन। ये हमारी सिंगल प्रेशर वर्क करती है मशीन, जिसके अंदर हमारा लेग ऑपरेशन से आप वहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, ये हमारी मोटराइज मशीन है। उसके अलावा हमारे पास 9 इंच से लेकर 62 इंच तक हमारे पास सारी मशीन्स हैं। यहाँ पे वो 14 इंच की मशीन है हमारे पास, 14 इंच के बाद हमारी 22 इंच की मशीन है, वो दोनों मैनुअल मशीन्स हैं। इसके बाद हमारे पास 22 इंच की मोटराइज मशीन है ये, ठीक है। ये हम कस्टमाइज आपको 35 inches, 42 inches सारी कस्टमाइज करके दे सकते हैं। ये हमारे आईडी कार्ड बनाने की पीवीसी के प्लास्टिक कार्ड की फ्यूजिंग मशीन है, जिसमें हमारे पीवीसी के प्लास्टिक कार्ड बनते हैं, जो हमारे पैन कार्ड की क्वालिटी है, जो हमारी पैन कार्ड की क्वालिटी है, जो फेड नहीं होती है, ये वो बनाने के लिए, कार्ड्स बनाने के लिए ये हमारी वो मशीन है। इसके बाद अच्छा, ये आप इतने छोटे भी ये सब्लिमेशन मशीन से आप रखते हैं? हाँ जी। ये तो काफ़ी, साइज क्या होगी मैम? ये तो कैप के लिए है ना, और ये 4x4 है, जो अगर पॉकेट में हमारे को सब्लिमेशन करना है ऑन डिमांड, हमारे को अगर छोटी पर सब्लिमेशन करनी है, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कस्टमर ये प्रेफर करते हैं छोटी। अच्छा। ये कैप के लिए है, ये इंक्स है हम प्रोवाइड करते हैं आपको, ये सब्लिमेशन इंक्स। हाँ। अच्छा। ये मग्स हैं, मग प्रिंटिंग मशीन है, ये हमारी 5-in-1 मशीन है, जिसके अंदर हमारे 5-in-1 5 प्रोडक्ट्स हमारे सप्लीमेंट हो सकते हैं। तो ये जो सारा रॉ मटेरियल है, ये आप प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ। अच्छा, इसे मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं अगर कोई बिठाना चाह रहा है? नहीं, वो ये मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन्स बहुत कॉस्टली होती हैं। अच्छा, ये हम आपको मोल्ड देते हैं, आप इसके ऊपर पेस्टिंग कीजिए, इसके ऊपर जो भी करना है वो करिए। अच्छा। ये कार्ड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कार्ड के बाद ये इम्पोजिंग है, ये टिपिंग मशीन है। इम्पोजिंग क्या होता है, अगर कार्ड को हमने, जैसे हमारे पहले डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते थे, हमारे नाम उभरे हुए होते थे, वो इम्पोज होता है। अच्छा। और उसके ऊपर जब गोल्डन और सिल्वर फॉइल होता है, तो वो टिपिंग मशीन होती है। तो ये दोनों मशीन्स भी हैं हमारे पास। इसके अलावा ये हमारी लैनियार्ड की प्रिंटिंग मशीन है, जो आपने ये लैनियार्ड पहनी हुई है, ये हमने मैन्युफैक्चर की है, ये इस मशीन से। अच्छा, वो है स्पॉन्सर? हाँ जी, हाँ जी। मैंने तभी सबसे पहले बोला कि हम लैनियार्ड स्पॉन्सर हैं, सो ये लैनियार्ड प्रिंट हो रही है, ये जो आपने पहनी है। ये हमारी एक्सेल लैनियर्ड न्यूमैटिक मशीन है, जिसमें हम एक बटन प्रेस करने के उससे हमारी मशीन अपने आप नीचे होगी, फिर अपने आप ऊपर होगी, जिससे हमारी हीट प्रेस के थ्रू हमारी लैनियर्ड्स प्रिंट होंगी। ये जो हमने प्रिंट पैक के एग्जीबिशन में विजिटर्स की लैनियर्ड्स हैं, ये उसी का ही डिज़ाइन है जो हमने प्रिंट किया है। ये हमारा मिरर प्रिंट होता है, इसको हम मशीन में रखेंगे, ये हमने एक पेपर हम नीचे रखेंगे, हमने लैनियर्ड्स यहाँ पर 20 mm की सेट की हुई हैं, एक पे हम पेपर नीचे रखेंगे और एक पेपर हम ऊपर रखेंगे, ताकि हमारी दोनों साइड की जो लैनियर्ड्स हैं एक ही टाइम पे हमारी प्रिंट हो जाए।
इसमें हमारे को अलाइनमेंट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम प्रिंट करना चाहेंगे। अलाइनमेंट इसलिए क्योंकि हल्की सी अगर हमारी अलाइनमेंट भी अलग हो गई तो हमारा सारी लैनियर्ड्स ख़राब हो जाती हैं। ये आप कोई भी मशीन किसी भी साइज़ में आप हमारे से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। इसके जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग है इसका है साइजेस 10x40 अवेलेबल होता है। ये 40 इंचेस का हमारे को मिनिमम रखना पड़ता है क्योंकि जो हमारी लैनियर्ड्स हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं। आप 36 इंचेस, 38 इंचेस या 40 इंचेस कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं अगर आपने इस साइज़ की आपने मशीन ली हुई है। अब ये पेपर की सेटिंग आपको ध्यान से, ये पेपर सेटिंग हो रही है। इसमें ये चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि ये ऊपर और नीचे का डिज़ाइन दोनों एक समान हो। ये देखिए, अब ये मशीन को ऑन करेंगे। मशीन ऑन होने के बाद ये सब नीचे हो गया। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइमर लगे हुए हैं, जब ये टाइमर पूरा हो जाएगा मशीन अपने आप ऊपर होगी और हमारी लैनियर्ड प्रिंट हो जाएगी। कितना टेम्परेचर कितना रहता है? ये टेम्परेचर ये दिया हुआ है आपका, ये टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये टाइम सेकंड भी आपका चल रहा है। इस मशीन के अंदर हम 12 mm, 16 mm, 20 mm, स्कूल की बेल्ट जो होती है 35 mm, स्कूल के सैशेस जैसे हमने आपको वो दिखाए थे सैशेस, या स्कूल का हाफ फ्लैग है, ये आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। बट आपका वो साइज़ आपके मशीन का, आपके पास डाइज होनी चाहिए। हम आपको ये चेंजेबल डाइज हैं यहाँ पे, ये आप अपनी जिस साइज़ का काम करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली ये डाइज लगा सकते हैं। ये हमारे लैनियर्ड के रोल्स हैं और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैनियर्ड्स हैं जो हमारे प्रिंट हैं। इसमें फ्लैट ट्यूब जो नॉर्मल आती है, स्क्रीन प्रिंट वाली, डिजिटल, ये सारी लैनियर्ड्स हैं। अब ये कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं हमारी, जो टाइम हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद ये अपने आप ये मशीन ऊपर होगी और हमारी जितनी लैनियर्ड्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ये जैसे आपने ये देखा, ये सारी लैनियर्ड्स प्रिंट पैक एग्जीबिशन की जो हैप्पी ग्राफिक्स ने स्पॉन्सर किया है, लैनियर्ड स्पॉन्सर। ये देखिए, ये अपने आप हो गया है टाइमर और ये आपकी आउटपुट आ गया, आपकी लैनियर्ड प्रिंट हो गई है। ऊपर और नीचे दोनों साइड आपकी लैनियर्ड सेम प्रिंट हो गई है। अब ये हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा पूरा एक लॉट खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने वो कर दिया है। जो भी अगर ये बिजनेस लगाना चाह रहे हैं तो उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं और क्या बजट क्या है, मिनिमम लेके चलना है? देखिए, अगर इसमें बजट की ये बात है कि अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं अगर कहूँ तो 10,000-20,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उस केस में हम आपको रॉ मटेरियल और आप लैमिनेशन से स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको PVC पे शिफ्ट होना है, पहले आप लैमिनेशन कीजिए। लैमिनेशन आप देखिए आपके एरिया में क्या है, सबसे पहले आप होते हैं कि आप अपने स्टडी कीजिए कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, लैमिनेशन चल रहा है या PVC चल रहा है। अगर लैमिनेशन चल रहा है तो आप लैमिनेशन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और जब हमारे पास कस्टमर आते हैं कहीं बहुत छोटे छोटे जगह से भी आते हैं तो वहाँ पर लैमिनेशन वाले कार्ड की भी बहुत कीमत होती है उसको, वो 35 रुपये में देते हैं, जो कहीं पे भी PVC वाला प्लास्टिक कार्ड भी 20 रुपये में जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ से हैं। अगर आपको लैमिनेशन वाला आपके एरिया में चल सकता है तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आपको PVC का कार्ड बनाइए। PVC के कार्ड जो हम प्लास्टिक कार्ड ये की फ्यूजिंग मशीन दे रहे हैं उसके अंदर हम A4 की शीट पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम सिर्फ कार्ड ही नहीं, हम उसके अंदर बैचेस, कीचेंस, नेम प्लेट्स, हम कुछ भी बना सकते हैं। आप सर्टिफिकेट बना सकते हो, आप घड़ी बना सकते हो, आपके ऊपर, आप कितनी भी उसको क्रिएटिविटी करके आप कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे कई कस्टमर्स उनको घड़ी बनाया है, कई नए साल पर कैलेंडर बना के उसी का कैलेंडर बना के वो अपने आके स्कूल्स में देते हैं सैम्पल दिखाने के लिए। तो ऑल डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कहाँ जाती है। उसके बाद आप थोड़ी बहुत एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप थोड़े से सब्लिमेशन पे स्टार्ट कीजिए, नॉट अ बिग आइटम। मग्स को प्रिंट कीजिए, मग्स को प्रिंट करने के बाद टी शर्ट प्रिंटिंग का काम कीजिए, धीरे धीरे आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप लैनियर्ड प्रिंटिंग का काम लीजिए, लैनियर्ड प्रिंटिंग का कीजिए तो उसके अंदर आपके पास, अगर आपने लैनियर्ड प्रिंटिंग भी ले लिया तो आप अपने एरिया के मास्टर्स हैं, क्योंकि आपने डिजिटल आज की डेट में मल्टी कलर लैनियर्ड चल रही हैं।
सर ये डिपेंड करता है, ये 1 लाख की मशीन भी होती है 55,000 से स्टार्ट हो जाती है मैनुअल को तो सिंपल सी भी, बट उसमें फिर आपको कुछ वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डाइस वगैरह सब मिली हैं, तो ये आपकी 1 लाख रुपए की भी होगी, 1.25 लाख की भी होगी, 1.5 लाख की भी होगी, ऑल डिपेंड करता है कि आपको इसमें अटैचमेंट्स क्या क्या चाहिए, अगर आपको कोई अटैचमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग है, तो जैसे जैसे आपको वो आप अपना बजट आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी तो आपका बजट वैसे वो बढ़ता जाएगा। और मैम जैसे अगर कोई आपसे मशीन ले रहे हैं तो उनका ये जो सर्विस है, सर्विस एंड ट्रेनिंग का क्या रहता है? सर ट्रेनिंग तो जब आप हमारे ऑफिस में आते हैं आप हमारे को 1-2 दिन पहले बताइए कि हमें ये पूरा सेटअप लेना है, जब आप पूरा सेटअप कह देते हैं हम भी अरेंजमेंट करके लगते हैं, हमारे को भी पता है ये कस्टमर ने आना है, तो हम पूरे दिन की आपको ट्रेनिंग पूरा दिन प्रोवाइड करते हैं, हमारे ऑफिस में रहते हैं, इनफैक्ट ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जितने दे वो देते हैं, सारे ट्रीटमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, घर की उसमें लगती है, एंड यू कैन टेक अ फीडबैक फ्रॉम मैनी ऑफ द कस्टमर, बहुत लोगों को वो ये चीज़ लगती है, हम आपको पूरा ट्रेन करके तब हम आपको पूरा सेटअप देंगे, जब आपको सेटअप पूरा समझ आ जाएगा तब आप घर जाएंगे, आइए सुबह आइए शाम को निकलिए आपको पूरा सेटअप हो जाएगा। और सर्विस की बात है तो ये जितनी मशीन्स मैंने आपको बताई ये सब्लिमेशन की मग वगैरह को छोड़कर बाकी सारा इन हाउस हमारा ही है, सो 1 ईयर वारंटी हम हर आइटम में देते हैं, बाकी हम लोग बैठे हैं, हमें इतने सालों के करते हुए भगवान की जैसे आगे भी करते रहेंगे, बाकी आपकी सेवा करते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी अगर वेयर टियर हो जाता है आपको ऑन द कॉल सारे डेमोज होते हैं, और अगर कोई आपने ऑनलाइन भी मंगवाना हो कोई भी सामान मंगाना हो तो हमारी वेबसाइट भी है harpitgraphics.com है, हम उस पर भी करते हैं, मेरे मोबाइल नंबर्स हैं सारे हैं, आप डायरेक्टली उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये है हरपित ग्राफिक्स, आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारा प्ले स्टोर में भी है, हमारा मोबाइल ऐप भी है, आप उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप, आपको सारे आइटम्स, हमारा ऑफिस कुरोल बाग में है, हमारा हमारी फैक्ट्री वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो हम आपको जब बुलाएंगे कुरोल बाग में बुलाएंगे, आइए और देखिए आइटम्स हमारी क्या क्या हैं, एक बार आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा ही लगेगा ही, कि क्योंकि हर एक अगर मैं कहूँ एक छोटी आइटम भी है तो उसमें भी आप कुछ काम करके कुछ कमा सकते हैं, कमाने का जायसा होना चाहिए। तो ये है भाई स्टार्टअप के लिए काफ़ी ये मशीन्स उपयोगी होने वाला है, और यहाँ ये है कि ना ही काफ़ी ज़्यादा बजट की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, आप घर में भी कहीं से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिट। दिवाली के टाइम पे ये कीचेन्स का ऑर्डर आता है, प्रमोशनल आइटम होती हैं तो लोग कीचेन्स मंगाते हैं, इसमें तो जब भी ऑर्डर मिले बल्क में ऑर्डर मिलेंगे, कोई इवेंट हो कोई खुलने लगते हैं तो सबको ये होता है स्कूल्स आ रहे हैं तो स्कूल्स में डेमो दिखाना है, और डेमोज के बाद स्कूल्स के ऑर्डर्स आराम से मिल जाते हैं, आप कहीं पे भी अगर स्टार्ट करना चाहो तो स्कूल्स के ऑर्डर्स तो आपका फर्स्ट टाइम हो जाता है कि आप जाते हो, आपने 4 सैंपल भी देखा है किसी स्कूल को, रेट्स उसको सही लगा आपके वो सही लगा तो आपको, या लिंक्स के थ्रू भी स्कूल्स का काम होता है, तो आपको अगर कोई लिंक है आपके स्कूल में आप उसमें भी कहो कि हाँ मुझे हमें आपका आई कार्ड बनाना है तो स्कूल्स वाले हाँ कर देते, तो हमारा तो आई डी कार्ड का ही काम है। और अगर आप कहीं पे फंस भी जाते हैं, आपके पास आपने बहुत सारे ले लिए, स्कूल ले लिए, आप काम कर रहे हैं नो डाउट, बट आपने बहुत सारे ले लिए, आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप आइए हमारे ऑफिस में आइए या फ़ोन पे मुझे बताइए, हम आपका ऑर्डर ले लेंगे ऑनलाइन और मैं आपका काम सारा करके देंगे, हम जॉब वर्क भी करके देते हैं, कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका सारा जॉब वर्क भी हम करके देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुरोल बाग आना ही आना है, आप फ़ोन पर भी बात कीजिए, सारी चीज़ें आजकल फ़ोन पर भी होती हैं। मतलब ये है कि भाई बिजनेस स्टार्ट अगर आपने एक बार कंपनी का हाथ पकड़ लिया तो उनके बाद बिजनेस कैसे चलाना है, क्या क्या ज़रूरत है, आपको हर बार ये फिर आप इन्वेंशन करेंगे कि हम इसके आगे आप और क्या करें, ये वाला स्टेप तो हमने क्लियर कर लिया, बट ये स्टार्टअप्स के लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमने मेन आईडी कार्ड का ही काम करना है, और आईडी कार्ड आपको पता है कोविड हुआ था तब भी आपको अगर बाहर भी निकलना ना घर से तो आपको आई कार्ड तो चाहिए, ये ऐसा बिजनेस है कभी बंद नहीं होने वाला है। हाँ बट वो है कि ठीक है टाइम ऐसा आया था बट ठीक है अब तो भगवान कृपा रखे तो सब ठीक रहेगा। चलिए मैम ये तो काफ़ी अच्छी है, और आपने जो भी कस्टमर है उनकी जो भी क्वेरीज है आपने खुद जवाब दे दिया, तो अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे जानकारियाँ मिल जाएंगी, अपने आइकन है आप उस पर मुझे रिप्लाई मैसेज और अपने मुताबिक आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी मशीन्स है रॉ मटेरियल्स है आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, सारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया भाई इनके लिए, तो 2-4 शब्द आप कमेंट में लिख ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए।